हेलो दोस्तों, मैं प्रयास प्रधान, आप सभी का प्यारा दोस्त एंड होस्ट। मेरा आज का टॉपिक कोरोना वायरस। बात करते हैं कोरोना वायरस की। चीन की वुहान शहर से पैदा हुआ कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल रहा है, अब भारत में भी आ चुका है। केरल के एक फीमेल छात्रा 30 जनवरी से कोरोना वायरस से पीड़ित है। चीन की वुहान शहर से शुरू हुआ मौत का बवंडर बढ़ता ही जा रहा है। ये पहले चीन से शुरू हुआ, फिर हांगकांग, सिंगापुर, इटली, फ्रांस, ताइवान और अमेरिका जैसे 21 देशों में फैल चुका है। चीन से शुरू हुई इस महामारी ने भारत में अपने पॉइजनस स्टेप रख दिए हैं। भारत के साथ कई बड़े देश कोरोना वायरस के आतंक से दहशत में है, वजह है चीन। पिछले 3 हफ्ते में चीन जिस महामारी से गुजर रहा है उसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। चीन में अब तक 143 मौत एंड 1241 हालत बेहद गंभीर में है। अब सवाल है कि कोरोना वायरस कहां से आया और किस चीज से आया है। साइंटिस्ट ये कह रहा है कि ये वायरस सी फूड, चमगादड़ और सांप में से आया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार ये किसी भी जानवर से फैल सकता है, जैसे कि सांप, सी फूड, चमगादड़, बिल्ली, बिच्छू, किसी भी चीज से, पर यह बात अभी तक कंफर्म नहीं है। अब मैं बात करता हूं सिम्टम्स की। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने निवेदन किया है कि किसी को भी अगर बुखार, निमोनिया, खांसी जैसे कोई भी लक्षण हो तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में जांच कराए। साथ ही 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। मैं आप सभी को नंबर बता रहा हूं 011-239-78046। अभी तक पूरी दुनिया में इस जानलेवा कोरोना वायरस से 185 लोग मर चुका है और 8000 से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस से जूझ रहा है। WHO ने इस वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। ये वायरस हमारे बॉडी की सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स जैसे कि लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स सभी तक फैल जाता है, इसलिए ये वायरस जानलेवा है। अब मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज है या नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। टिल डेट अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि हाउ टू बी अवेयर फ्रॉम कोरोना वायरस और कोरोना वायरस से कैसे बचें। पहले यदि आप में भी कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और चेकअप कराए। दूसरा, अभी 1 महीने तक चीन देश में ट्रैवल ना करें। तीसरा, ज्यादा समय तक भीड़भाड़ वाले जगह में ना रहे, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ये भीड़भाड़ में ज्यादा तेजी से फैलते हैं। चौथा, टेक बाथ एवरी डे एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। एंड लास्ट एंड मेन थिंग, बाहर जाते समय मास्क लगा के जाए। आखिरी चीज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम द्वारा सरकार दुर्लभ बीमारियों के पेशेंट को 15 लाख तक की सहायता दे रहा है। इस स्कीम में थैलासीमिया,
हीमोफीलिया जैसे रेयर डिजीज को शामिल किया गया है। अब यह बात सामने आ रहा है कि कोरोना वायरस को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अभी तक किया तो नहीं है, पर बात चल रहा है। एंड लास्ट थिंग, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इफ यू वॉन्ट टू मेक एवरीवन अवेयर फ्रॉम दिस कोरोना वायरस, देन प्लीज डू शेयर माई वीडियो।